शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग कब होगी, सवाल को लेकर के लगातार सस्पेंस बना हुआ है। आपको मालूम है कि शिक्षक लगातार ये पूछ रहे हैं कि आखिर ट्रांसफर पोस्टिंग का क्या कुछ हुआ है और इस प्रक्रिया की शुरुआत कब से होगी, वो ये भी जानना चाह रहे हैं। लेकिन इसी बीच लाइव सिटीज के पास भी ब्रेकिंग खबर है। अब वो ब्रेकिंग न्यूज क्या है, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। तो आज इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आपको भी जी। सबसे पहले तो अरुण जी, हम चाहेंगे कि आप बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को लाइव सिटीज के पास कौन सी बड़ी खबर है, कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है, क्या है, आज कौन सी तारीख है? आज 4 तारीख है, 4 अक्टूबर। जी जी। तो हम लोग ने तो शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्री के हवाले पहले जानकारी दी थी कि 30 अक्टूबर तक, जो 30 अक्टूबर लास्ट डेट था कि जो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं बिहार के शिक्षक कि उनकी ट्रांसफर की नीति नियमावली अप्रूव हो जाएगी, फाइनल आ जाएगी, बिल्कुल तब ना प्रक्रिया शुरू होगी। पहले नीति नियम तब प्रक्रिया। तो नीति नियम क्या सामने आ गया? आपने अभी शिक्षा मंत्री के हवाले एक जानकारी मुझे दी कि विभाग ने जो ट्रांसफर से संबंधित नियमावली में एक नया उसमें संशोधन हुआ है। पहले से तो उनकी नियुक्ति सेवा शर्त नियमावली बनी हुई है और उसमें ट्रांसफर का जो पहले से पिछले कई वर्षों से विचाराधीन था, ये था कभी जो नियोजित शिक्षक थे उनके लिए था जी। लेकिन अभी जो नियोजित शिक्षक और फिर उसके बाद अब तो विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं और अध्यापक जो बीपीएससी से बहाल हैं उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी आनी है, जिसका बिहार के 5.5 लाख शिक्षक इंतजार कर रहे हैं। और फिर उसमें जो कार्यरत शिक्षक हैं उनकी सेवा की निरंतरता ही सबसे बड़ा सवाल है कि भाई जो लोग बरसों से काम कर रहे हैं अब तो उसमें रिटायर होना भी शुरू हो गया, जो शिक्षक बहाल हुए थे जी, जी। तो उनकी सेवा की निरंतरता का क्या होगा? इसीलिए कि जब सरकारी कर्मी आप बना रहे हैं तो उसी सेवा की निरंतरता के आधार पर ना पेंशन मिलेगा और सुविधाएं नहीं मिलेंगी सरकारी कर्मियों की तरह, तो सेवा निरंतरता उनकी बिल्कुल एक मौलिक और जायज मांग। ब्रेकिंग न्यूज क्या है आप बता रहे हैं? और इसके बाद उसमें एक और है प्रोन्नति। प्रोन्नति बिल्कुल, वही आप सरकारी कर्मी को 3 वर्ष उनके सेवा काल में प्रोन्नति मिलती है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर। तो ये भी इंतजार है कि भाई हम सरकारी कर्मी हो गए तो क्या अब सरकार कर्मी की तरह हमें प्रोन्नति भी मिलेगी? तो जो वर्षों से कार्यरत हैं उनको प्रोन्नति भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो नियमावली में ये सारी अपेक्षाओं के बाद जो जानकारी दी कि विभाग ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने उस विभाग के उस नियमावली पर अंतिम मुहर अपनी सहमति दे दी है। शिक्षा मंत्री ने सहमति दे दी है, यानी कि शिक्षा मंत्री जो कह रहे थे कि 30 से पहले हम नियमावली को अपनी सहमति दे देंगे और बिल्कुल वैसा ही किया है शिक्षा मंत्री। नहीं, अब तो सहमति शिक्षा मंत्री के देने से नियमावली पब्लिक डोमेन में आई नहीं। अब विभाग ने ओके कर दिया। अब विभाग ओके करने के बाद फिर उस पर मुख्यमंत्री की भी सहमति चाहिए। सहमति चाहिए और मुख्यमंत्री की सहमति चाहिए। अब उतना नहीं, मुझे ये जानकारी नहीं मिली कि विधि विभाग की राय में जिस नियमावली में इतना व्यापक संशोधन हो रहा है, क्या फिर उस नियमावली को कैबिनेट की सहमति की अपेक्षा है, अपेक्षित होगा कि नहीं? ये बड़ा सवाल बना हुआ है अरुण जी, कि नियमावली डायरेक्टली नोटिफाई होगी या फिर कैबिनेट में? नहीं, शिक्षा विभाग तो बता रहा है कि उसकी समझ में अब इसको नियमावली तो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, हमने एक संशोधन किया है तो हम लोग नोटिफाई कर देंगे, डायरेक्टली नोटिफाई। लेकिन अब एक सवाल है, मुख्यमंत्री पर निर्भर है कि वो इसको फिर कैबिनेट में ले जाएंगे कि नोटिफाई करने की सहमति दे देंगे अपनी सहमति के बाद। यानी कि लाइव सिटीज आपको ब्रेकिंग खबर बता रहा है, नियमावली पूरी तरह से तैयार है, नियमावली पूरी तरह से रेडी है और शिक्षा मंत्री ने भी अपनी सहमति दे दी है और नियमावली क्या अब सीएम हाउस पहुंच चुकी है? हाँ हाँ, तो अब सीएम की सहमति मिलेगी जी, जी। उसमें दो बात है, यदि वो कैबिनेट में भेजना हो तो कैबिनेट में भेजे, नहीं तो वो विभाग नोटिफाई करेगा। अब नोटिफाई जब हो जाएगा, अब अक्टूबर का 4 तारीख आप बता रही हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी भी नोटिफाई जब हो जाएगा तब ना पब्लिक डोमेन में जाएगा, तब लोग जानेंगे कि इस नियमावली में क्या क्या है, क्या क्या है। जो ट्रांसफर होंगे, शिक्षा मंत्री कहते रहेंगे कि भाई हम महिलाओं को तरजीह देंगे, प्राथमिकता देंगे ट्रांसफर में, उनकी सुविधा का दिव्यांगों को देंगे, पति पत्नी एक जगह है उसको देंगे, बिल्कुल यही ना अभी है मोटा मोटी। किसी रोग से ग्रसित है आप तो और साध्य रोग से कोई है, और फिर उसके बाद जो नियर टू रिटायरमेंट है, बिल्कुल यही अभी होता है सरकारी कर्मियों के भी है,
ऐसे सरकारी कर्मियों का तो तबादला हर जून मई महीने होता होता है। अभी अभी तो एक बात है कि जो आपने नियोजित शिक्षकों की परीक्षा ली, सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए, तो सबों से आपने ऑप्शन लिया था, ऑप्शन लिया था हाँ। कि आपका भाई आपका यहाँ से तो स्कूल छोड़ना होगा, तीन जिलों का ऑप्शन मांगा गया, ऑप्शन था। फिर हुआ कि कोई प्रखंड है तो प्रखंड में 8 इसकी भी खबर मिली कि एक किसी प्रखंड में वो उसको 8 स्कूल का भी देना। तो अभी कुल मिला जुला कर विभाग ने पहले से ही जो कुछ एक तैयारी कर रखी थी, क्या इसी तरह से पूरे बिहार में सभी नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं उनकी भी संख्या कोई एक दो नहीं है, उनकी संख्या 2.25 लाख से अधिक। अरुण जी, लेकिन एक और सवाल है जो लगातार पूछा जा रहा है, कई तरह की खबरें भी छन के बाहर आई है, लोग जानना चाहते है कि आखिर ट्रांसफर का पहला मौका किसे मिलेगा? देखिए, ट्रांसफर का पहला जो बता रहे हैं अभी शिक्षा मंत्री जो बोलते रहे हैं, तो उसमें तो है कि पति पत्नी एक जगह, सक्षमता पास शिक्षकों को क्या पहला मौका तो मिलेगा? सक्षमता परीक्षा को तो पहले जहां से हैं वो सभी नए शिक्षक हो जाएंगे, नियोजित शिक्षक हो जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक, तो उनके तो जिस स्कूल में काम कर रहे हैं उनको छोड़ देना ना है, जहाँ वो जो ऑप्शन दिए हैं मेरिट के आधार पर उनको नई स्कूल में पोस्टिंग होगी। अभी शिक्षा विभाग ने और फरमान जारी कर दिया है कि जो अध्यापक बहाल हुए हैं, मतलब बीपीएससी से बहाल हैं, वो सारे लोग प्रभारी प्रधानयात्रा मुंबई जाएंगे। खूब हंगामा हुआ था, मुझे याद है ये आदेश 4 सितंबर यानी के शिक्षक दिवस से एक दिन पहले जारी किया। अभी ये हंगामा हुआ था, अभी तो देखिए ना, तो अभी इसका भी एक अलग अभी कोहराम समाप्त नहीं हुआ है, समाप्त नहीं। तो कुल मिला जो रहकर मैं मानता हूँ कि एक तरह से जंजाल बना हुआ है, जंजाल बना हुआ है शिक्षकों का स्थानांतरण, जहाँ आप सब लोग चाहते हैं कि भाई हमारी पोस्टिंग हो गई, वहाँ हमें सुविधा नहीं हो रही है सेवा में। ये सारे लोग देखिए, अब जो बीपीएससी से भी नियुक्त शिक्षक हैं उन्हें नौकरी लेनी थी, नौकरी तो वो तो आप जहाँ ऑप्शन दिए थे उनको भी कि 3 जिला दीजिए, अब पोस्टिंग जहाँ हुई तो सारे शिक्षक संतुष्ट हैं क्या? वो भी अपने जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई है उससे उन्हें भी असुविधा हो रही है। सब लोग चाहता है कि भाई कोई यानी कि सैटिस्फाई कोई नहीं, हाँ अधिसंख्य लोग को, मुतमईन कोई नहीं, हाँ अधिसंख्य लोग को जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग, सबसे बड़ी बात है जो नियोजित शिक्षक जिसको मुखिया जी स्थानीय निकाय और पंचायत निकाय से बहाल हुए थे, तो उसमें तो अधिसंख्य जो बहाल हुए थे पहली बार वाला कह रहे हैं, तो लोग तो अपने गाँव घर में हो गए थे। अभी जो अभी उसमें अभी भी 80,000 शिक्षक तो परीक्षा में बैठे ही नहीं, उनको भी परीक्षा लेनी है, देनी है। लेकिन जिसका तबादला होना है, अभी देखिए उसमें उनको मनोनुकूल पद जगह मिलता है कि नहीं, स्कूल मिलता है, ये नहीं, इतने नहीं है। बड़ी बात ये भी है अरुण जी, सुन तो लीजिए कि शिक्षक को स्कूल में विषयवार शिक्षक की जरूरत है, ये कहीं जरूरत है, इसकी कमी कहाँ होगी? आप शिक्षक का तबादला करेंगे तो हर स्कूल में शिक्षक के पद स्वीकृत है, संख्या स्वीकृत है, उसके हिसाब से ही ना करेंगे आप? बिल्कुल जी। अब शहरों के स्कूल में पहले ज्यादा दबाव होता है, यानी कि पोस्ट वेकेंट होगा तभी ना आप, हाँ, या जो ट्रांसफर से भी वेकेंसी होगी, तो कुल मिला जो हाँ। मुझे मैं ये मानता हूँ कि अभी जब ये नियमावली को अंतिम रूप जरा देख लीजिए, उसमें मोटा मोटी क्या बदलाव आया, क्या नया प्रस्ताव आया है। जब देखिए अभी जितनी बातें अखबार में या जो हम मीडिया के लोग भी जो कर रहे हैं ना, कुछ बातचीत, जैसे एक मोटा मोटी अभी शिक्षा मंत्री ने जो बात की कि हम क्या क्या करेंगे, लेकिन जो प्रस्ताव है वो क्या लेकर आएंगे? देखिए पहले क्या था, पहले था नियोजित शिक्षक जो बहाल हुए थे संविदा वाले जो नियोजित शिक्षक बनाए गए, तो उनका था कि सेवा काल में 2 ट्रांसफर हो गया। जो पंचायत वाले बहाल हुए थे उनको तो पंचायतें में ट्रांसफर होना था, प्रखंड में जो प्रखंड वाला शिक्षक थे उनको प्रखंड में होना था। अब आपने जिला कैडर बना दिया है शिक्षक का, हाई स्कूल के शिक्षक का बना दिया है प्रमंडल कैडर जी, हाँ। अब ये नियमावली क्या रूप लेकर आया है, क्या लेकर आया है वो देखना होगा। लेकिन बड़ी बात ये भी है अरुण जी कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो ताक में बैठे हुए हैं, साफ साफ कह दिया है कि अगर हमारे साथ ज्यादती हुई, अगर हमारी अनदेखी हुई तो फिर मामला सीधा कोर्ट जाएगा, और अगर मामला कोर्ट जाता है तो आप भी बखूबी समझ रहे हैं कि एक बार फिर से लटक जाएगी ट्रांसफर। अभी तो